इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर भोपाल से निकल कर आ रही है, बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर यहाँ पर है, भोपाल से बड़ी खबर यहाँ पर, जो विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, उनका बयान यहाँ पर जारी हो चुका है और यहाँ पर पहला जो इस्तीफा है प्रभुराम चौधरी का मंजूर हो चुका है। इसके बाद इस्तीफा जो है इमरती देवी का भी मंजूर हो चुका है। यहाँ पर तुलसी सिलावट का जो है इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ पर जो मंत्री है उनका अब इस्तीफा मंजूर कर लिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी यहाँ पर इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आखिर में देखें आप तो गोविंद सिंह राजपूत का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो कुल मिलाकर 6 जो मंत्री है उनका इस्तीफा यहाँ पर मंजूर हो चुका है। इसके बाद क्या आंकड़े बन सकते हैं, देखिए अगर कुल यहाँ की सीट की बात की तो 230 सीट यहाँ से आती है, खाली 2 सीट पहले से चल रही है। इस्तीफा जो है 22 का है लेकिन अभी 6 का ही यहाँ पर मंजूर किया है। तो विधायकों की कुल संख्या अगर मंजूर हो जाती है तो 206 बचती है। बहुमत का आंकड़ा जो है 104 होता है। अब इसके बाद देखिए बहुमत का आंकड़ा 104 है, कांग्रेस के अगर घटा दिए जाए जो 22 विधायक इस्तीफा मंजूर हो जाता है जिनमें से 6 का मंजूर हो चुका है तो 92 बचती है और 7 यहां पर आने के समर्थक जो है उनके साथ है। तो कुल जो है 99 का आंकड़ा बनता है, यानी बहुमत से 5 विधायक की और जरूरत होगी। और इसके बाद अगर बीजेपी को देखें आप तो बहुमत से 3 यहां पर सीटें ज्यादा हो जाती है। तो प्लॉट टेस्ट यहां पर बीजेपी मांग कर रही है कि प्लॉट टेस्ट जल्द से जल्द हो, तो वही कांग्रेस का यहां पर दम है। कांग्रेस साहब दावा कर रही है कि जो उनके यहां पर बंधक विधायक हैं उनको यहां पर रिहाई दिलाई जाए। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 6 विधायकों का इस्तीफा यहां पर मंजूर कर लिया गया है लेकिन बीजेपी का दावा है यहां पर है कि बहुत जल्द यहां पर प्लॉट टेस्ट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द प्लॉट टेस्ट होना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।